वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. हमने जो बाहर देखा ना कार्तिक, वो इससे पहले कभी नहीं देखा. दैट मास एंट्री, सबसे पहले तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मतलब मैं मास से ही निकला हुआ इंसान हूँ. क्या बात है. तो आई थिंक मुझे ये पहली बार ऐसा परफॉर्म करने का मौका जो रोहित ने दिया यहाँ पर, और पूरी टीम ने जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार उनका हूँ. और आई एम सो ग्लैड कि ये ट्रेलर जिस तरीके से पूरी फिल्म को डिपिक्ट करता है, उस तरीके, वो बहुत डिफिकल्ट था. आई नो कि किस तरीके से हमारे सारे प्रोड्यूसर्स एंड रोहित, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व जब ये ट्रेलर इतनी बड़ी स्टोरी को एक डिपिक्ट करने का जो यू नो उन पे एक सर पे काम था. तो बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी यू नो पार्ट ऑफ दिस मास एंटरटेनर. मैं पहली बार ऐसा मास एंटरटेनर फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें ये फिल्म, और अपना प्यार जितना अभी तक आपने मुझे दिया है, हम सबको प्लीज वापस से दीजिए. एंड यू नो व्हाट, जब एक आम इंसान एंट्री मारता है तो उसे नजर का काला टीका लगाते हैं, जब शहजादा एंट्री मारता है तो उसे गुलाब का टीका लगाते हैं. ये दैट्स अ वेरी गुड ओमन. ऑलराइट, सो सबसे पहले एक और चीज बता दो इससे पहले कि बाकी सबको बुलाओ यहाँ पे. यू हैव टर्न्ड अ प्रोड्यूसर, कार्तिक आर्यन प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं देखिए, मैं एक्टर ही हूँ. मैं इस फिल्म में कुछ ऐसी सिचुएशन में, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी. भूषण सर को देख रहे हो आप. थैंक यू सो मच. बेसिकली लव यू टू गाइज, थैंक यू सो मच. बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिल्म का हिस्सा होता हूँ, ना कि सिर्फ एक्टर की तरह, बल्कि हर तरीके से. और एंड आई एम ऑल इन फॉर माय फिल्म. तो आई थिंक प्रोड्यूसर का क्रेडिट मेरे नहीं, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का है. ये उन्होंने मुझे बस एक ऐसे टाइम पे वो एक क्रेडिट यहाँ पे दिया, मैं उसके लिए भी थैंक यू उनको करना चाहूंगा. बट इट्स ऑल देम, इट्स नॉट मी. अमेजिंग, दैट्स कार्तिक आर्यन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज द लीडिंग लेडी हु इज एवरीवेयर, यहाँ वहाँ हर जगह धमाल मचा रही है. शी इज गॉर्जियस, शी इज वेरी टैलेंटेड. यू गाइस हैव सेड इट, गिव इट अप फॉर कृति सैनन. वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस कृति, दिस लुक्स फैंटाबुलस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द शहजादा वंस अगेन? थैंक यू सो मच. फर्स्टली थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग अस सो मच लव, फॉर बूस्टिंग आवर एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट टुडे. And we are meeting pretty often, yes, which is very nice. Yeah. Fingers crossed. Yes. Yes. आप इतनी सारी फिल्में कर रही हैं. अच्छी बात है ना? अच्छी बात है. हमको भी करने दीजिए, थारा आप ही करेंगे तो फिर. But this film is very, very special. It is very entertaining. मैं बोलूँ या मैं नहीं बोलूँ? Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. But I have to say that honestly I feel India mein family values jo hain wo bahut, I feel very proud of them. I think we all do somewhere. Hamara jo rishta hota hai apne parents ke saath, mom dad ke saath, nana nani, dada dadi and all of that, jo I think kahin na kahin hamari industry jo hai wo dikhati thi pehle 90s ki filmon mein bahut देखने को मिलता था. यू नो इमोशन होता था, एक्शन होता था, रोमांस होता था, जो कहीं ना कहीं हमने करना थोड़ा बंद कर दिया. एंड आई यूज़ टू लव दैट. एंड आई व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म एंड यू नो द नरेशन ऑफ इट, फर्स्टली रोहित नरेट्स एक्सट्रीमली वेल एंड इट्स रिटन वेरी वेरी वेल. एंड यू नो आई रिमेंबर लाफिंग, फीलिंग, यू नो क्राइंग, ऑल ऑफ दैट. एंड दिस इज लाइक अ मॉडर्न वर्जन ऑफ दैट फॉर मी. So it is a full-on mass entertainer, big screen experience, going with the entire family. Valentine's Day, हम थोड़ा सा जल्दी मनाएंगे 10th को. तो 10th of Feb is Shehzada, and of course it was lovely working with Karthik again. हम लोग कितने साल के बाद आ रहे हैं? चार. एक World Cup हो गया. क्या? हाँ, लुक्का छुपी. हाँ, तीन या चार. Almost चार साल हो गए. Almost चार साल. Yeah. And I think we look pretty good together, do we?
क्या नो नो बोल रही है क्या? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? हो 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 चिल्ला रहे, खुश है, खुश है, जैसे ही ये इसलिए। So I it was lovely working with him and he's a friend, he's someone I'm extremely comfortable with and it was as entertaining an experience as the film itself and just I have to say I feel Rohit, this film is like releasing. There's a release after like 5 to 6 years, which is outstanding, and he's worked extremely hard, extremely hard. So we must give it up for him. Give it up for Rohit Dhawan, ladies and gentlemen, the director sahab. And yes, on that note, would request you could kindly come up, grace the stage, ladies and gentlemen. The loudest round of applause for Rohit Dhawan. Right. So उनके घुटने की फोटो जो है वो इंटरनेट को तोड़ देता है quite literally. What do you have to say on working with these two wonderful people? Of course. With T-Series and the entire team of Shehzada. Oh, it's been an absolute pleasure making this film. And firstly, I'd like to thank Allu sir, because it all starts with the script. And without this material, we wouldn't have this film today. And Bhushan sir, Aman. And so it's been a very, very beautiful journey for me. And working with Kriti and Karthik, I've never had such a good time. Working with two actors, and it's such a—you can see what he's put into this film. It's not an easy film for an actor to do, and I've literally had him by my side day in day out. So, इसने तो सिर्फ घुटने नहीं, इसने खून पसीना सब डाला है पिक्चर में, जो आप देखोगे फाइनली जब पिक्चर लगती है. And hopefully everyone's hard work pays off, fingers crossed. Yes, absolutely. जब ये फिल्म आएगी तो इसका रिजल्ट ऐसे ही कुछ होने वाला है. Now it's time to invite on stage the producers of this film, ladies and gentlemen. Thank you so much. Bhushan sir, this one's for you. Unless and until there is a T-Series logo on the posters, it is not big enough, is what the entire industry and everybody is saying. How do you see Shehzada? And ये सबसे पहली blockbuster होने वाली है साल की, what do you have to say on that? वैसे ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इसमें कार्तिक आर्यन है. ओह नहीं, बट अभी हमारी तीन हमने फिल्में साथ में की हैं, तीनों ब्लॉकबस्टर रही हैं. एंड दिस इज़ अ प्योर प्योर फैमिली इंटरटेनर. रोहित ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है फिल्म की. आई हैव सीन लॉट पार्ट्स ऑफ द फिल्म एंड कृति ने एंड एवरीबडी हैज़ वर्क ब्रिलियंटली इन द फिल्म. सो वी आर होपिंग कि 2023 का ये बहुत बड़ा स्टार्ट हो हमारी इंडस्ट्री के लिए. एंड वी वांट ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द ऑडियंस के सब लोग ये जाके फिल्म थिएटर में देखें. अमेजिंग अमेजिंग, जोरदार तालियां हो जाए एक बार, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन. शहजादा से क्या हम लोग रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? डेफिनेटली तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये आई थिंक भूल भुलैया से भी ज़्यादा फैमिली इंटरटेनर है. एंड टुडे आफ्टर दृश्यम वी हैव सीन के फैमिली इंटरटेनर पीपल आर लविंग मोर. एंड दिस हैज एवरीथिंग, दिस हैज फैमिली, एक्शन, म्यूजिक, comedy, everything in this film. So I think we will be able to break the record of Bhool Bhulaiya also with this. Hi Karthik, Shubhajit here from IWM Bazo here. Hi. Hello, hi. Good to see you, and I think lovely trailer. Congratulations to the entire team. My question to you is, koi bhi actress ho, wo Kriti ho, Sara ho, Ananya, anyone you work with, wo chemistry jo hota hai, it's always a 10 out of 10. I think one actor who always successfully does that or has done that over the years is Shah Rukh Khan. I know you love him to the core of your heart. So ye jo cheez hai, ye art hai, ye aapne unhi se sikha hai ki kya hai? Nahi, main apne director se seekhta hu. Wo matlab wahi mujhe scenes dete hain aur wahi mujhe ye performance ke liye bolte hain, जो सीन्स को परफॉर्म करने के लिए वो बोलते हैं. तो मैं ट्राई करता हूँ उनको उतना ही उम्दा करूँ, एंड वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पर. कृति के साथ और मतलब हम दोनों की केमिस्ट्री लुक्का छुपी में भी बहुत बहुत अच्छी सराही गई थी. एंड एंड वी वर, जब शहजादा भी कास्ट हो रही थी और हम दोनों की कास्टिंग हुई थी, तो वी वर रियली एक्साइटेड. मतलब जब रोहित ने हम दोनों को भी बताया था कि ये कास्ट वो देख रहा है, बिकॉज वो हमें याद है कि वो मैजिक उसमें लुका छुपी में बहुत हुआ था. तो होपफुली शहजादा में भी वो दिखेगा. एंड 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 या तो आई होप लुका छुपी से ज्यादा सक्सेस मिले आपको इस मूवी में. ऑल द बेस्ट. हां थैंक यू. हाय रोहित. Rashida, you're from Peeping Moon. Hi. Hi, hi. So the trailer looks fab. What caught my attention was the nepotism dialogue in it. So you come from a filmy family yourself, and of course Karthik has made it himself. How did you inculcate it? Because it's very interesting. Even Kriti, for that matter, both of them are self-made today and are doing great projects. So how did you inculcate that dialogue in the film?
It just seemed like a natural fit while writing it, and it actually deals with the character he's talking to, you know, who's got everything on a platter in life and he doesn't have dreams of his own. So it just fitted perfectly, you know, while just writing it. So it wasn't like a thought out or planned thing to do, you know, kyunki uski baat ho rahi hai media mein and stuff like that, and it just happened and it seemed like a fun line, you know, and it's one of those long Karthik monologues that you'll enjoy in the film. Yeah. Hi, we'll take two more questions, ladies and gentlemen. Karthik. Yeah, ji. Yo. Hello. Hi, I'm Manjari from Pop Diaries. And firstly, to the whole team of Shehzada, it's a blockbuster. Guaranteed. I can tell you that. You're going to watch the film? Absolutely. First day for show? Absolutely. Done. Thank you. Thank you so much. My first question is to Kriti. You're looking smoking hot in the trailer itself. And I'm guaranteed in the movie also. You're looking completely on fire. You have the best lineup than any actress has this year. You know, with Ganpat and, you know, so what do you have to say about that? How are you looking at the year? Well, the year has just started and I'm hoping it starts with a bang with Absolutely. This one. I don't know, like in general, I feel like I'm blessed and fortunate that I have the opportunity of doing very different kind of films. You know, whether it is Shehzada or there's Adi Purush coming or Ganpat and a few more. I'm blessed today to get those opportunities where I'm not put in a box and where they are very different kind of films, very different kind of roles and very different looks as well. So I think that's the most exciting thing for an actor, to be not repeating themselves and getting the opportunity to do something different every time. So I'm really, really excited for 2023, hoping it starts with a great, great bang with this one. Absolutely, I'm sure about that. My second question is to Aman Gill. Sir, I want to know, what was it like starting your product? You know, he's starting out as a producer, Karthik. And what was it like producing the film alongside him? Also, why did you think Karthik and Kriti would be the best for the roles that they're playing? Pehle Karthik bare sach bolu ki jhooth bolu? Kya, kya sawal kya tha? Producer banne mein, we, how does it feel to have Karthik on board as a producer? Yes, such. Painful. he both involved hai. Jitna involved director, utna involved hai. So it's very blessing to have people involved. Kriti is equally involved, even though it's her role. She's not a producer, but every talent, when they get involved in the film, na, to wo bahut acha lagta hai, because then it becomes their film, right? It's not people aaye, gaye, kaam kiya. वो हर रोज़ वही फिल्म के लिए सोचते हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए वो बहुत अच्छा है कि आप साथ में जुड़ जाओ तो और काम करेंगे अच्छा. Well, I can guarantee you this couple works the best. They look great together. भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है. जी. इधर इधर. कहाँ है? Right side. अच्छा जी. मेरा नाम दीपक पांडे है. मेरा सवाल आपसे है कि बहुत ही प्यारा ट्रेलर है और मेरा सवाल ये है कि इस जमाने में दो ही जोड़ी हिट हो रही है, कार्तिक जी की और आपकी, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? अभी तो बताया कार्तिक ने भी. बढ़िया. हेलो सर, वो बोल रहे हैं कि आपकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. हाय 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 कार्तिक. Kartik here, Sharma this side from Home Bollywood. Hello. Firstly, the trailer look amazing. So sweet, thank you. I definitely would love to know, trailer mein ek scene hai where you slept Paresh Rawal ji. You know, being a senior, how difficult was it for you to do that particular scene? Because, you know, he is a senior. Actually, so, it's a very nice question. Right. Because this came to my mind too. बट परेश जी, वो इनफैक्ट वो उनकी वजह से वो सीन बहुत एलिवेट हुआ, जिस तरीके से उन्होंने ही पहले मुझे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये मैं कैसे करूँगा. ऑफकोर्स वो उस तरीके से दिखता है, लेकिन ऐसा गलती से कभी भी लग सकता है वो. बट यू नीड दैट, एक ट्रस्ट चाहिए दोनों कोस्टार्स के बीच में कि यार अगर मैं ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो भी उसी टाइम, तो वो एक टाइमिंग का खेल है एंड ही इज यू नो किंग ऑफ दोज टाइमिंग्स. तो उन्होंने मुझे बोल दिया तू टेंशन मत लेना सीन से पहले, कि तू आराम से अगर वो आराम से मारना आराम से लेकिन
खींच के मारना बेसिकली बोला था हमने, तो टेंशन मत लेना, खींच के मारना और फिल्म के मूड में जाना. तो बस वो मुझे बहुत हेल्प किया. एंड देन या ऑफ कोर्स देन इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वो हाईलाइट है वो सीन एक तरीके से फिल्म में. तो या इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम आल्सो, जिस तरीके से वो आया. थैंक यू. वेल आई थिंक ऑन दैट नोट वी विल हैव टू रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है, कार्तिक एंड कृति दे गोना बी आउटसाइड कैचिंग अप विद यू गाइस, है ना. लेकिन यहां पे इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑफ विद दीस वंडरफुल पीपल. यस.